मुझे हेयर फॉल प्रॉब्लम मुझे काफी 4-5 साल से हो रही थी। होम रेमेडीज भी ट्राई किया है, विटामिन ई हो गया, ओनियन का पानी हो गया, काफी कुछ मैंने ट्राई किया, मिनोक्सिड्रिल भी लिया, हेयरलाइन पीछे पीछे जा ही रही थी और काफी डॉक्टर से भी कंसल्टेशन किया, UHT का YouTube पे मेरे से किसी फ्रेंड ने भी बताया था। वाला फेज ये है सर्जरी होने का, मैं इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हेलो, मेरा नाम हितेश सोनी है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मुझे हेयर फॉल एंड इसकी प्रॉब्लम मुझे काफ़ी 4-5 साल से हो रही थी। मुझे थोड़ा बहुत इसकी वजह से मैंने काफ़ी होम रेमेडीज भी तैयारी की, बस के मुँह पर ट्राई किया है होम रेमेडीज भी। इसमें मैंने काफ़ी विटामिन ई हो गया, ओनियन का पानी हो गया, ओनियन का ऑयल हो गया, काफ़ी कुछ मैंने ट्राई किया इसके लिए। और इसको रिमूव करने के लिए मैंने, हेयर फॉल को रोकने के लिए मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, जिसमें से मेरे कुछ अनियन ऑयल भी ट्राई किया मैंने, अनियन पानी भी ट्राई किया, मिनोक्सिड्रिल भी लिया, फिनिस्ट्रेट भी लिया, पर ये परमानेंटली मेरा हेयरलाइन पीछे पीछे जा ही रही थी। इसके लिए मैंने और काफ़ी डॉक्टर से भी कंसल्टेशन किया, अब मुझे इसका कहीं पे भी कुछ इलाज मिल नहीं पाया था। तो मैंने काफ़ी कुछ सालों पहले ही देखा था, मैंने QHT का YouTube पे मेरे से किसी फ्रेंड ने भी बताया था, तो वहाँ पे उन्होंने अपना खुद का मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया था। कुछ मुझे YouTube पे गाइड करने वाले भी थे, उन्होंने अपना यहाँ का रिजल्ट बताया था, और कुछ यहाँ पे मैंने CID के कुछ मेंबर्स थे वो भी यहाँ पे आए थे, तो उनके रिजल्ट देख के मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और अभी मेरा स्टार्टिंग में मेरा भी पहला सेशन है, कुछ कंसल्टेशन हुआ है, डॉक्टर ने मेरी हेयरलाइन का डिसाइड कर रहे हैं इसमें क्या बेटर होगा और इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, अभी मेरे आफ्टर सर्जरी के बाद मैं बताऊँ। अभी मेरा करंट वाला फेज़ ये है जिसमें से मुझे इसमें 3000 से 3500 के अराउंड मुझे ग्राट बताया गया है। और मेरा ये जो ब्लड पैटर्न है मेरे, ये जेनेटिक मैं इसको मानता हूँ, मेरे जेनेटिक में मेरे फादर के भी यही प्रॉब्लम थी, उनकी भी यही हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे चलेगी, मेरे चाचा जी की भी होगी, ये होगी, तो उसकी वजह से ये मेन रीज़न हो सकता है। और अभी मुझे डॉक्टर से कंसल्ट, उन्होंने मुझे इतना ही बताया है, अभी आफ्टर सर्जरी में कंफर्म ग्राफ बताए जाएंगे जिसमें से कितना क्या होगा। और इससे पहले तो मैंने काफ़ी कुछ रेमेडी तैयार इसके ऊपर मैंने ट्राई किया है, जिसमें से रेमेडीज कुछ हो गई है, जिसमें से अनियन का ऑयल हो गया है, अनियन का पानी भी मैंने जूसर से मिला के वो भी ट्राई किया, और फिश ऑयल भी ट्राई किया, विटामिन ए भी बालों में एलोवेरा भी लगा के ट्राई किया, पर इससे कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं। आखिर मुझे सॉल्यूशन इसका डॉक्टर से मैंने QHT पे कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे आखिर इसका सॉल्यूशन ट्रांसप्लांट ही बताया गया था। तो मुझे QHT पे मैंने काफ़ी YouTube पे सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे इसके काफ़ी रिव्यूज मिले, मैंने देखा करके आया, मैं सारी चीज़ें पूरी रिसर्च करके मुझे यहाँ आया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और बाकी मुझे ट्रांसप्लांट के बाद, सर्जरी के बाद मुझे रिजल्ट मैं आपके यहाँ पे शो करूँगा। अभी मैं राजस्थान से आया हूँ, तो QHT में मुझे काफ़ी मतलब 24 आवर्स यहाँ टाइम लगा है मुझे आने में। और तो अब मेरा सर्जरी होने का, मैं इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मेरी खुशी है कि इसमें से काफ़ी मेरी हेयरलाइन भी ग्रो होगी, मेरे काफ़ी बाल भी वापस आएंगे। तो इसके लिए मेन रीज़न तो यही है कि काफ़ी एक्साइटमेंट हूँ, और यहाँ के स्टाफ का तो मैं काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अपना काफ़ी हेल्प की, मुझे टेस्टेड में बगर में मतलब अंदर आते ही मुझे एक एक चीज़ में मुझे पूछना नहीं पड़ा था, वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें उन्होंने एक एक चीज़ मुझे क्लियर होकर बताया। तो मुझे पहला डाउट तो मुझे सारी चीज़ें स्टाफ से क्लियर हो गई, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और आगे अब मेरी सर्जरी होने वाली है, तो उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी मेरे 27 ईयर ओल्ड है, तो मैं कहीं पे भी जाता था तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेन रीज़न तो ये रहता है हेयर फॉल और हेयरलाइन का मतलब जाना करना, तो मेन होता है इंसान आदमी का कॉन्फिडेंस, वो भी कम एज में, तो इसकी वजह से काफ़ी कहीं मीटिंग होती थी, कहीं पे भी जाना पड़ता था, तो लोगों की नज़र पहले स्काल्प में जाती थी, फेस पे नहीं जाती, सीधी स्काल्प पे जाती थी, उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डाउन रहता था। तो उसी कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए मैं यहाँ पे QHT में मुझे आना पड़ा, और मैं अभी मेरा 1 घंटे बाद सर्जरी स्टार्ट होने वाला है। और बाकी का जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा सर्जरी के बाद, जो भी मुझे मेन डाउट है कि मेरा पेन होगा, जो भी है, तो मैं आफ्टर सर्जरी के बाद यहाँ पे आके मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मेरी अभी फाइनल सर्जरी हुई है जिसमें मेरे 4500 ग्राफ्ट लगाए गए हैं, जिसमें मेरा मेनली फ्रंट एरिया कवर किया गया है, जो हेयरलाइन जो मोस्टली जो लुक को काफ़ी अच्छा बनाता है। और इसमें से मेरा कम से कम 9 से 10 घंटे लगे हैं और इसमें मुझे काफ़ी ऐसा लगा था कि मुझे जिसमें मुझे पेन नहीं होगा। काफ़ी डर भी था ट्रांसप्लांट से पहले कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत प्ले रहता है जो जिस समय हम NSI जो इंजेक्शन लगता है सून करने के लिए, उस समय थोड़ा बहुत दर्द रहता है। बाकी टाइम ग्राफ्ट लगाए मुझे पता ही नहीं चला मेरे ग्राफ्ट कौन से एरिया में कितने लगे, क्या लगे। टोटली मिला के मैं कहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। QHT के यहाँ के स्टाफ तो इतने काफ़ी केयरिंग वगैरह थे, जैसे कि घर के जैसे रखा गया। मुझे खुद को किसी भी चीज़ में तकलीफ़ नहीं आने लगी और ना ही मुझे किसी को कुछ पूछना पड़ा क्या है। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चलती गई और एक भी चीज़ ऐसी नहीं जिससे मुझे कहीं अनसेफ लगा हो, कहीं डर लगा हो। मुझे मेरा सर्जरी होते ही पता ही नहीं चला। बाकी इसके हेयर ट्रांसप्लांट बाद मुझे 5 दिन के लिए कुछ मेडिसिन दी गई है डॉक्टर की तरफ से, जिसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 टैबलेट है और कुछ पेन किलर है जिससे घाव वगैरह का रहेगा, और बाकी सलाइन दिया गया जिससे सोडियम का रहता है, जिससे उसको वॉश करते रहना हर महीने। और बाकी 5 डे के बाद से नहाना स्टार्ट करना है और जॉनसन बेबी के शैम्पू और बिस्लेरी के साथ वॉश करना है सर को। और बाकी कुछ PRP है जो मुझे मैडम से अभी फॉलोअप मिलेगा, उसको मुझे हर महीने या 2-2 महीने में आना पड़ेगा। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट मुझे 5 दिन के लिए कुछ मेडिसिन दी गई है और कुछ प्रिकॉशन दिए गए हैं, मैं उसी पे ही फोकस करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे कैसे जिगजैग की तरह एडवांस QHD टेक्नोलॉजी से मेरे ग्राफ्ट लगाए गए हैं। इसमें काफ़ी मेन इसका है कि इसमें बालों को काफ़ी गैप वगैरह रहते हैं वो सारे फिल गए हैं। सो गाइज, अब हम मिलते हैं मेरी फर्स्ट PRP के साथ। सो थैंक यू QHD। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।